जब कोई हादसा होता है तब जिम्मेदार हादसा हो जाने का कारण ढूंढते हैं, और जब हादसे की वजह नजर आ जाए तो जिम्मेदार लापरवाही करते हैं। जब कोई हादसा होता है तब जिम्मेदार हादसा हो जाने का कारण ढूंढते हैं, और जब हादसे की वजह नजर आए तो जिम्मेदार लापरवाही करते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नज़ारा उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। दरअसल पाली से शहडोल मार्ग में स्थित रामपुर गैरेज के समीप सड़क ऊंची हो जाने के कारण बीते कई वर्षों से विद्युत पोल नीचे हो गए, जिसे विद्युत प्रवाहित तारें झूल रही है, जो असमय बड़े हादसे को न्योता देने का काम कर रही है। यह विद्युत तार गैरेज में आने वाले बड़े वाहनों से टकराते हैं, जिसमें कभी भी कोई भी हादसा होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। यहाँ वाहन मरम्मत का कार्य करने वाले मिस्त्री, पार्ट्स विक्रेता सहित वाहन के मालिक बताते हैं कि जब वाहनों को सुधार के लिए खड़ा किया जाता है तब विद्युत तार उन खड़े वाहनों में टकराते हैं, जिससे कई बार छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। वहीं सड़कों में वाहन खड़े होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, जिसकी जानकारी होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग अब तक ना तो विद्युत पोल बदलवा रहा है, ना ही तार को व्यवस्थित किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस स्थल में पाली नौरोजाबाद सहित नेशनल हाईवे में गुजरने वाले वाहनों की मरम्मत और सुधार कार्य किया जाता है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारी से समस्या समाधान की मांग भी की है। हम यहाँ वाहन मालिक हैं, हमारी गाड़ियों का कार्य यहाँ मोटर गैरेजों में होता है, मरम्मत का कार्य, और यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की काफ़ी मतलब दिक्कतें आती हैं हमें। कारण ये है कि यहाँ बिजली का पोल बहुत नीचे लगा हुआ है, जिसकी तारें भी काफ़ी नीचे झूलती हैं। गाड़ी अगर हम सटा के खड़ी करते हैं तो बिजली विद्युत का खतरा बनता है, और अगर रोड पर खड़ी करते हैं तो किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। तो हमारी मांगे ये हैं कि इन पोलों को ऊंचा किया जाए और इनकी तारें जो है थोड़ा हाइट में लगाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार से यहाँ गाड़ी खड़ी करने में हमें भी दिक्कत ना हो और आवागमन का साधन सही बना रहे, और ना ही किसी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं हों। राधे श्याम विश्वकर्मा। क्या करते हैं? कमानी रिपेयरिंग। क्या परेशानी आती है? यहाँ ये खम्बा जो तार लगा हुआ है, ये तार नीचे है तो गाड़ी लगाने में बहुत दिक्कत जा रही है हमको। और रोड में गाड़ी जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, हमेशा जाम लगता है। इसकी शिकायत नहीं किया आपने? एक बार शिकायत किया, जो आगे वाला खंबा गड़ा है वो खंबा गड़ रहा था तो तार नीचे हुआ, हमने बोला ये तार को ऊपर कर दो, तो बोले कल दूसरा खंबा लगेगा तब जाके ऊपर होगा, और जितने बार बोलते हैं तो बोले गाड़ी से एक्सीडेंट कर दो, तार तोड़ दो तब हम खंबा गड़ाएंगे। मैं दीपक चंदवानी, गुरु कृपा ऑटोमोबाइल्स का ओनर, जो कि मैं व्यवसाय करता हूँ रामपुर गैरेज बिंजला में, बिंजला के सामने। यहाँ पे मेरी दुकान के सामने इलेक्ट्रिकल पोल, विद्युत पोल, जो कि कई वर्षों से नीचे की स्थिति में, डाउन की स्थिति में जा रहा है, जो कि रोड बन जाने के कारण और डाउन हो गया है, जिसके कारण कई सारी दुर्घटनाएं आए दिन होने की संभावना होती है। मैंने कई अधिकारियों से और बिजली के अधिकारियों से, बिजली के कर्मचारियों से कितनी बार मैंने मौखिक लिखित रूप से शिकायत की है, अन्यथा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या परेशानी आती है? परेशानी आती है आए दिन यहाँ पर ट्रक जो लगते हैं गैरेज में काम होने के कारण, वो तार नीचे के कारण उसमें गाड़ियों में लगती हैं तारें, जिसके करंट आने की बहुत सारी संभावना है, बहुत सारे इसमें दुर्घटना हो भी चुकी हैं। बिजली वालों का कहना है कि जब तक ये पोल टूटेगा नहीं, अन्यथा ये ऊपर होगा नहीं। अब टूटेगा कैसे पोल? ये कोई ट्रक वाला ठोकर मारता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, तो वो भी मजबूर है, क्या करें बेचारे, इसके चलते वो काम में बाधा होता है। जी आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि बिजली का पोल ऊपर कराया जाए, नया पोल लगाया जाए, हाई टेबल पोल लगाया जाए, तारों को ऊपर किया जाए, ताकि गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकें किनारे, और रोड में भी गाड़ियां न जा सकें, जिसके कारण रोड में ब्रेक लगता है, आए दिन जाम होता है।